Hello everyone, I am Som Som Dhaiya. Once again, I'm here with a new video. So, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द रूरल फाइट पर. सो दोस्तों, आज मैं 8th लेक्चर लेकर के आया हूँ आपके सामने. तो आप सभी को पता होगा कि मैंने इंग्लिश स्पोकन का आपकी डिमांड पे इंग्लिश स्पोकन फुल कोर्स का एक बैच शुरू किया हुआ है. उसके अंदर मैं डे बाय डे वीडियो डालता हूँ. तो आज 8th वीडियो मुझे डालनी है. 8th वीडियो आपके सामने चली रही है. सो आप कितने इसके ऊपर आपके कमेंट्स हैं या आपके कितने सुझाव हैं, आप मुझे कमेंट करके बताते रहा करो. और मैं इजी से इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूँगा. आगे चल करके मैं कुछ प्रैक्टिकल्स भी लूँगा, इसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें आपको दिखाऊँगा. तो आप इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को इस चैनल पर जोड़ने की कोशिश करें. इस वीडियो को चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कैसे भी इंस्टा पे, कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके. आपके घर पे भी कोई है भाई बहन, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने को. तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं. यस गाइस, तो पिछले वीडियो में आपने सीखा 10 ऐसी फ्रेजेस जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और उनके हमने रिप्लाई सीख लिए हैं, कैसे हम उनके रिप्लाई करेंगे, कैसे उनको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे. तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की. नेक्स्ट में है 11th में हम बात करेंगे हैव यू डन योर होमवर्क. यदि आप एक टीचर हैं, स्कूल टीचर, ट्यूटर, होम ट्यूटर, कैसे भी, तो आप बच्चों से पूछना चाहते हो कि आपने होमवर्क कर लिया, तो इसको आप कह सकते हो हैव यू डन योर होमवर्क. और इंग्लिश में यदि कोई बच्चा कहना चाहता है कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया, यस इट्स डन. और नहीं किया है, नो इट्स स्टिल लेफ्ट, इट्स स्टिल लेफ्ट. स्टिल का मीन्स होता है अभी भी. हाउ इज़ योर फादर नाउ, आपके पिताजी कैसे हैं. इज़ एनी इम्प्रूवमेंट इन हिज हेल्थ, क्या उनकी सेहत में कोई सुधार है. तो जैसे किसी के मम्मी पापा भाई बहन कोई भी बीमार है और उसकी सिचुएशन के बारे में पूछना चाहते हो, उसकी हेल्थ के बारे में आप पूछना चाहते हो, तो यहाँ पे फादर की जगह पे आप किसी को भी पुट कर सकते हो, भाई बहन, मम्मी पापा, किसी को भी. सो अभी मैंने एग्जांपल में फादर को लिया है. हाउ इज़ योर फादर नाउ, आपके पिताजी कैसे हैं. इज़ एनी इम्प्रूवमेंट इन हिज हेल्थ, क्या उनकी सेहत में कोई सुधार है. तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हो, ही इज़ रिकवरिंग ग्रेजुअली एंड बेटर देन अर्लियर. थैंक्स. He is recovering gradually, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, and better than earlier, पहले से काफ़ी ठीक है. Thanks. और एक और जवाब आप मैंने तैयार किया है, He is fine now. Thanks. हाँ, अब वो ठीक है. Next. No, there is no improvement in his health. नहीं, उनकी सेहत में अभी कोई सुधार नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 रिप्लाई इसके तैयार किए हैं. और भी कुछ रिप्लाई आप देना चाहते हो और आपके सुझाव हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना. सो 13 है, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. किसी को बर्थडे विश करना हो तो इसको आप बिल्कुल कॉमन सेंटेंस में कह सकते हैं, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. सो जब आप किसी को बर्थडे विश करते हो तो हम कहते हैं थैंक यू. ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि किसी के बर्थडे को स्पेशल बना जाए और कुछ अलग तरीके से किसी का बर्थडे विश किया जाए, तो मैंने एक इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाई है. आप मेरी वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को देख सको कि किसी के बर्थडे को विश करने के 10 नए तरीके होंगे इसके अंदर. कोई भी फेस्टिवल आपको विश करना हो और बहुत ही कॉमन स्टाइल से विश करना चाहते हैं, तो आप कोई भी फेस्टिवल हो उसको लगा सकते हो, विश यू आ वेरी ऑस्पिशियस दिवाली. ठीक है, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा, इस तरह से हम कह ही सकते हैं. लेकिन दिवाली है, ऑस्पिशियस है, मांगलिक है, हिंदूज में काफ़ी प्रचलन है इसका, और काफ़ी शुभ माना जाता है इसको, मांगलिक होती है, तो इसलिए ऑस्पिशियस वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं. विश यू अ वेरी ऑस्पिशियस दिवाली, कि आपको बहुत ही शुभ दीपावली मुबारक हो. तो उसमें हम दूसरों को भी मुबारकबाद दे सकते हैं, सेम टू यू या फिर यू टू. ठीक है, तो चलिए ये तो थे कुछ ऐसे फ्रेजेज जो हम जिनके हम रिप्लाई तैयार करते हैं, रिप्लाई देते हैं. अब मैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेज की बात करता हूँ. ठीक है, जैसे आप क्लास में या कहीं पे भी आप इनको यूज़ करना चाहते हो, इनसे अपना छोटी छोटी सेंटेंस को बोल करके अपना बड़ा इफेक्ट दिखाना चाहते हो, तो उनके लिए ये 12 ऐसी हैं फ्रेजेज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. लिसन अप, कान खोल कर सुन लो. जब आप किसी को थोड़ा सा फोकस के साथ कहना चाहते हो, थोड़ा सा अट्रैक्शन के साथ कहना चाहते हो, लिसन अप, कान खोल कर सुन लो. ठीक है, इट्स टू मच का मतलब होता है बहुत हो गया. जब आप किसी की अन्याय या किसी का इनजस्टिस या कोई भी चीज़ें पक गए हो बार बार सुन सुन करके, तो कह सकते हैं इट्स टू मच यार, बहुत हो गया अब. ठीक है, हाँ, दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है. दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है.
तो ये आप पता ही होगा कि आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो। जब आप कोई भी चीज़ ले रहे हो किसी से और वो दे रहा है, बता देना कितना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या जितनी आपको सफिशियंट क्वांटिटी चाहिए या उसको अमाउंट चाहिए उसको लेने के बाद, दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है, इतने से काम चल जाएगा, दैट्स इनफ, ठीक है। पैकअप, इसे पैक कर लो, पैकअप मीन्स इसे पैक कर लो। नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। नॉट अ बिट का मीन्स होता है थोड़ा सा भी नहीं। जैसे कई बार कहते हैं हम शेक पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी और ले लो, हैव सम मोर टी, थोड़ी सी और चाय ले लो। नॉट अ बिट, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नॉट अ बिट। बाई ऑल मीन्स हर तरह से, बाई ऑल मीन्स हर तरह से, मैं आपके लिए हर तरह से तैयार हूँ, आप कभी भी आकर के मेरे से मुलाकात कर लेना, मिल लेना या फिर आ जाना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बाई ऑल मीन्स, हर तरह से। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट। रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड मीन्स होता है विश्वास रखें। सो टेक इट ईजी, टेक इट ईजी मीन्स आराम से। जब कोई काम कर रहा हो और उसको थोड़ा सा जल्दबाजी में कोई काम कर रहा हो तो उसे कहते हैं थोड़ा सा आराम से, टेक इट ईजी, ताकि चोट ना लगे, टेक इट ईजी। बी पेशेंट, बी पेशेंट मीन्स होता है थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, या फिर हैव पेशेंस भी कह सकते हैं, हैव पेशेंस, ठीक है। हाँ, जब कोई आपसे बाइक की चाबी मांगने आए, कार की चाबी मांगे, या किसी भी प्रकार के इस तरह से कोई चीज़ आप दे करके कहते हो ये लीजिए, तो ये लीजिए को हम कह सकते हैं हेयर यू गो, हेयर यू गो, ठीक है। और इसके एक दो सिनोनियम्स और हैं, एक दो सेंटेंसेज और हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनकी जगह पे रख सकते हैं। जैसे किसी ने पानी का गिलास मंगाया और कहा कि पानी लेकर के कोई बंदा आता है तो वो कहता है ये लीजिए, तो इट्स हेयर भी कह सकते हैं, टेक इट भी कह सकते हैं, टेक इट, इट्स हेयर, हेयर यू गो, ये तीनों सेंटेंसेज आप यूज़ कर सकते हैं। हेयर यू गो उस सेंटेंस में यूज़ करते हैं जब कोई बंदा कोई चीज़ लेकर के जा रहा हो, ठीक है। जैसे चाबी लेकर के जा रहा है बाहर, गिव मी योर बाइक की, आई हैव टू गो टू मार्केट, हेयर यू गो, तो ये लीजिए। हाउ अब्सर्ड, क्या बेहूदगी है। जब किसी की बात से आपको बेहूदगी झलके और लगे कि क्या बकवास सी बात कही उसने, हाउ अब्सर्ड आप कह सकते हो। वॉच आउट, वॉच आउट मीन्स होता है ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप किसी के भरोसे कोई चीज़ छोड़ के जा रहे हो, जैसे अपना आप कहीं मार्केट में जा रहे हो और घर पे कोई नहीं है, तो घर किसी के भरोसे छोड़ के जा रहे हो, तो उस टाइम कह सकते हो कि वॉच आउट माई हाउस, मेरे घर का ध्यान रखना, ओके। सो ये थे 12 ऐसी फ्रेजेज जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। आगे मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा, आगे यदि आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो इसके अंदर वर्ब्स का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो आप वर्ब्स को भी, ऐसी वर्ब्स जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, उन वर्ब्स की एक लिस्ट बना करके उनको याद कर लें, ताकि बेसिक बेसिक वर्ब्स हैं कुछ की मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे 1 to 10 यहाँ पे हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद 11 to 12, 2022 है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से। फिर यहाँ आप 13 to 30 ले सकते हो, 23 to 30 ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आगे जा करके फिर 42 हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पे, जितना हो सकता है उनका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट आपके बहुत काम आएंगे, ताकि वीडियो को, या फिर आप वीडियो को पॉज कर करके भी लिख भी सकते हैं इनको अपनी नोटबुक में। तो ऐसे मैंने ऑलमोस्ट ये लगाइए 100, आज मैं आपको करवा रहा हूँ वर्ब्स जो आपको याद करनी है। चलिए 100 तक आप याद कर लीजिए, 100 में सेव है, सुरक्षित है, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यदि आपकी कोई फ्रेज़ आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट करके बताया करो, कमेंट करके पूछ भी लिया करो, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके। और मैं इसका लिंक देता रहता हूँ फेसबुक पे, फेसबुक पे मेरा पेज है द रूरल फाइट विद सोम सर, तो उस पेज को फॉलो कर ले, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ कि वीडियो कब आएगी, कितने बजे प्रीमियर होगी। और प्रीमियर में आते हो तो प्रीमियर में मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ, वहीं लाइव चलती रहती है, वहाँ साथ साथ में उनकी रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बी हैप्पी, स्टे एट होम एंड कीप वॉचिंग द रूरल फाइट। थैंक यू।